guru blocks come so special. My sham the bachiga one knows gun and guri is composed and I think so special. I can atomic for us here with you. I have it one in the tons desk. Did an a chat be either chat be either judge? आते उधर ऊपर से पहले तेज हवा आते थे फिर दरातन के साथ ऊपर छत के ऊपर से दरातन गुजर गया इसके बाद यही मलबा के इधर ढेर हो गया बजे जो बेहतरीन आवाज है फिर बजे ना पूरा एरियो ना गांव से बजे दूसरे बिल्कुल खान रिजल्ट हो सकता है जिस खान ना जिस थाम में जो जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो जारी है यहाँ पे हमने टेंट वगैरह दिए हैं और साथ में फूड आइटम्स वगैरह अभी रास्ते में है इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो वो भी हम दे देंगे इसके अलावा जितने भी हमारे पास एनजीओज़ थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एकआरएसपी हो गया और भी इस तरह के जो इदारे थे वो भी यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं अहलियान यूपी की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अपनी इस्तात के मुताबिक इमदाद खाना वगैरह का बंदोबस्त कल से हो रहे हैं कुल टोटल दिए ना यहाँ फलान जुकाम मतलब ये तुझे का माल ना मीचल सामना शेजे का शुक्रिया तो आए बात करते चार नौ साल मसौद में जो ये यहाँ फलान जुकाम मतलब ये मंदर 24 घराने बिल्कुल खान ये खत्म सौ फिर जो दो आवो टेन तांजुक शेजर ये बशीरी जो तकरीबन 40 लाख को से खर्चा बस पंजुला पूरा आरसीसी जो दो मंजिला था 40 लाख ठीक ठाक चम गोंदे कालीन पुथी फिन जो इतना ला इफ्तराइन पच बस जैसे महारम महारम में नुबत जरन जो दिन बाद मन ये सो फिन जो जैसे नया जी वो से यहां नंगा मम्मी इस फलक के आने की जो मेन वजह बनी है वो ऊपर वाली पहाड़ी पे जो है ना अच्छा गरज चमक हुई है जिसके आधा घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो फलक जो है ना अच्छा गांव को क्रॉस करता हुआ धीरे शोक के अंदर गिरा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वक्त आप दिल्ली जानसी टीवी देख रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं कुनिस सिलावी रेले ने यहां पर तबाही मचाई है तबाही की यहां जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर आके हमने देखा तो यहां पर 25 से ज़ायद जो घर थे वो यहां पर तबाह हो चुके हैं उनके दरख्तान और जो खड़ी फसलें हैं वो सब यहाँ पर सिलावी रेले ने अपने जद में ले चुका है और यहाँ पर आके हमने ये भी देखा कि यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनके घरों पर हमने देखा कि दबे हुए जानवरों को भी देखा उनके बैल गायें वो भी मुर्दा हालत में आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर और इस वक्त मेरे साथ इन इस पर बात करने के लिए कि मुतासरीन मौजूद है अस्सलाम वालेकुम भाई आपका कौन सा घर था इसमें से ये ना पोजू अजान ले तीन बजे मांग मशीद पे ना पो अच्छा जी दुख पे ना मशीद पे अच्छा जी दे नोर्चिंग इशी इन जो बोटी चीक साफ हुमन दूंगा मैं कभी जो देवशुल्ला हज काजम जो जो खे नोर ची खुदा से 24 शत पलो जो बुटी ची के पलो ए खे ना पिन ये पे ज्यादा पूरा का फिनाज काजी में जो देवशुल्ला बशीर इन जो खे बा बयान का साम मुल्तान जो हां तो थों जो इन में जो खे नाम का फिन जो अब जो दिन तो गाम मास मोहम्मद इन जो गाम में ना पो दे थों ये पे जो थुर गाम करा सो जो फिन का फिन जो देन गाम भी का अब्दुल्ला जानू जरे जो खे नाम का फिन जो देन ही का मासाजी से नाम बजू गंदे फू आसन जब सिन बजू मत अचानक शिया ने क्यों से यार बस तो फलान तो जो कुछ है तो हम सुर जम से के भी सर अच्छा जो इन जो देखन वो भी कौन सा ने जो नजीर नजीर नाम पूरा खैर फिन जो माल मोशी फलान तक देखन ठेकेदार अली जो खे नाम पूरा खैर फिन जो देखन मूसा जी ने चिकत बजू खे नाम खैर फिन अच्छा जो देखन आहा माशा वजीर जो खे नाम पूरा कब फिन बांच गेत पलो जो नोट चिगे चौगा निशियत पलो जो देखन बार रहमान बल्द इब्राहिम जर जो खे देन उस तुआ फुमाना यत पी नंग द दुख पी ना मैं जो सुहा फुमा ता आदमी नोर ना चीना दो गाम का फिन जो देखन ए इब्राहिम जर जो खे नाम का फिन देखन सलमान सिरगल जो हमीद जो हमीद की नाप माल मोशीन बान रे छुज खेर पिन काजिम जने चिगत बजो खे ना माल मोशीन रे से पुरा जम से खेर पिन जो अच्छा जो देखन हा चौधरी माया अब्बास जर जो खे ना पुरा फेत पक्का सांजी फेत पनंग
وان کل ٹوٹل دین یا فلان چکام مطلب یہ تبزے کا مال نا میچل سامدہ شہزے کا شکر یہ دعائی برکتی چاہ نقصان مصاب جو اے یا فلان چکام مطلب مندہ چوبیس گرانے بالکل خوان دین ختم سوف جو دو اور ٹن تان زک شہر سر دی روٹ پو گائی ٹائمی کون جو اتانا موقع مطلب جاکی دی لبان کون تارین فیس تان سر سہین جو وان جو چھار پہ معمولی ہوں جو اون من نا بس یومی بال لون جو اون سے پھین فرصت کھا مصاب جناب با یہ کہ تھون یہ کہ می گا مقاب شورس مال موشی بھی منگالا وقت سمسوں نصیب سمسوں بالکل جو وانا یا یت پی آئی پی چو کچھ یہ نجو کھورو دی خیر پھن جو گوندن ڈی سی صاحب دون جو ایس سی دون دون حالت ڈپارٹمنٹ افسر گاموں سے گنان لا ان شاء اللہ اتنا مدد بزر ہے گنان لا کھوتا ایسی یقینی بے سونس جو دونوں تھپ پم تو گاڑی چ کون نٹن کھرو سے گیا سنا جو گیا سی لو یو می مین مین تے یو دسے کون تیاری میں یو جلی می فریز بھیج جو اور حاجی صاحب دوسرے ادا نہ چی خطر دو سے جو دینا وہ کوس پو نئے نئے نہ تا پھر پر جو نئے نئے نہ تا ہن بجو بیل لکھو شین شری کون محفوظ بن بجو اچھا اب دے کارپٹ بار پٹ کو یوں سی تھی منگال وا تھو پھن جو تے کنا نہ بنا بان نہ یت پچیس گام کا تین ماشر وے کا پگل حالت تین اشو جی کی نیو سی جو حکومت پاکستان سے ٹھیک ہے جو آپ گورنمنٹ سے کراچی فریاد بھائی مضمولیات پہ آپ تک پہنچانا فرض ہے لیکن آپ ہم آگے کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھا جو وانگی میں تھا ممبر باقر سر جو گا یہ ذمہ دار مین یہ مان یہ ایریو پورا یہاں پورا پھاڑن پھاڑن پھیس بیس دینا سرک سرک سر ہوت میں نے چوبیس نگ ہوا بالکل پھپلا دوں گا یہ پی مال موشین نگ پھلکا نکلنا زچس نہ گام ختم سو پھر جو اچھا جو ان جو چلو یہ جو بہت شکریہ ناظرین جب سے یہ فلڈ آئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کل رات کے ٹائم یگو کے جو گاؤں والوں نے یہاں کے گاؤں والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ان کو رات کا ٹائم کا کھانا انہوں نے یہاں پر پرووائڈ کیا جو متاثرین ہیں ان کو اور ابھی بھی ہم نے یہاں پر آ کے پہنچا تو کیمپ میں دیکھا تو بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کی خبر لینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود تھے جو کھرفک سے آئے کھرفک سے آئے ہیں اور وہ اس جو مشکل گھڑی میں کولس گاؤں والوں کو حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں خرفان شاہ سے تھوں سے دو دو پہ کبھی یہاں پہلے تھوں سے تھوں سے جو بہترین آباد ہے پھر بجنا پورا ایریا ننگا سے پہ جو دس بالکل خان رزلٹ سن سن جو چک خان ننگ چک تھوں میں جو دو گاما ننگ ان پہ پورا ننگ ان پہ اچھا اگر تو جو یہاں نا پھر یہ حساب پہ جو تک تھوک سے پن با جو ادانا خرفا اسکت کو شور کو اچھا جی بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے اور ان کی خبر گیری کر رہے اور یہاں پر جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے بھی یہاں پر ان کے لیے ٹینٹ اور امدادی جو سامان ہے وہ لائے ہوئے ہیں وہ اس وقت تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پرسنل جو لوگوں نے بھی اپنی طرف سے یہاں پر ریلیف لا رہے یوگو گاؤں والے بھی ایک مزدہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی یہاں پر ریلیف کے سامان لا کے ان متاثرین کو دے دیا ہے اور بغیر ان کی ریہیبیٹیشن کے لیے حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو چاہے کہ ان کو جن کے گھر یہاں پر تباہ ہو چکے ہیں ان کی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک بھائی نے یہاں پر ایک گھر بنایا تھا جو ہی گھر بننے کے بعد گھر کی آج سے دو تین دن کے بعد قرآن خوانی ہونی تھی مگر وہ گھر قرآن خوانی کے لائق نہیں رہا وہ یہاں پر دب کے ابھی جس ملبے کے اوپر ہم کھڑے ہیں اسی ملبے کے نیچے ان کی زندگی بھر کے ارمان اسی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ نہ صاحب نے جدی اوپن مینا تقریبا کا وقت پتہ لمبا سے کمرہ تقریبا چھ سا ہرال برال تھا سے 24 کمرہ او تھوک او گامی بلے جو ارے نا تے سٹ پو ائی چاچا تو 3 سٹ کا وقت پتہ چاچو بھی دیکھے صحیح دوسرے دی متاثرین کا مگائت میں جھکتا ہوں متاثر کا ہم سو دے دے پٹوالیوں سے دے دے کے سو سے جھگا ہم پٹوالی سے سو جو 10 منٹ کھوئے کے کیوں سے نہ جو مین مین زرن دے دے انچی والا دے سو سے جو بالکل جو یا گوندے گائت پہ جدی اون والا گل لگا گرو بلاک کو سو پہ جو ما شام دے بچے وہ نوز گنے گوری اس کو پہ رنگا دے سو پہ جو اے کنا چوم نہ لے پورا سیکھا بجو نا یا وہ نہیں تھا سے اس کا بد نہ کو سے نہ نہ اس کا دیا کو جو ہے وہ پورا لگور کلا ہے پہ جو وانا تے انا جو تھو مچ کی تمک ٹوب سو مک ٹوب سو جو خدا سے پھل چانس ہم چو جو بالکل جی با بن نور چا گئے پہ جو کھے جو صحیح جی پھوما سوا سی پورا ہے یہ پہ جو اچھا جی دے پورا نا بہا پورا کرا سو جو بجے بندو تھنگار کھان جو بجے جی گل سے بس یہ ہو کھان ہے ان کا واقعہ بس یہ سو جو چلیے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نصیر الدین ہے
और मैं डिस्ट्रिक्ट गांचे में एज असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करता हूँ। कल डिस्ट्रिक्ट गांचे में अचानक से बारिश हुई, खैर रात को भी बारिश हुई थी, लेकिन कल जो दिन को बारिश हुई उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट गांचे के मुख्तलिफ जगहों पर और नालों में फ्लैश फ्लडिंग हुई। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे कुनिस में हुआ है फ्लैश फ्लड की वजह से, जिसमें तकरीबन कोई 30 के घर कंप्लीट घर डैमेजेस हैं और अभी तक 15 घर जुज़ी तौर पर नुकसान है। इसके अलावा इनकी जो लैंड प्रॉपर्टी है, माल मवेशी है, कैटल शेड वगैरह है, ये सारे भी डैमेज हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवन्यू स्टाफ इसकी असेसमेंट वगैरह कर रही है, तो डिटेल रिपोर्ट की तैयारी है लेकिन अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो इसके अलावा भी हमारे बलगार में भी कल फ्लैश फ्लड की वजह से 16 घर डैमेज हुए हैं और साथ ही दरख्तान और लैंड प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हुई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रिलीफ एक्टिविटीज़ थी, कल 16 टेंट हमने बलगार में दे दिए हैं, साथ में और भी इसके साथ रिलीफ आइटम्स थे जिसमें प्लास्टिक मैट्स हो गए और फूड आइटम्स वगैरह की अरेंजमेंट हो रही है और वो भी कल आज इंशाल्लाह बल्कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह हमारे कुनिस में भी जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। यहाँ पे हमने टेंट वगैरह दिए हैं और साथ में फूड आइटम्स वगैरह अभी रास्ते में है, इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो वो भी हम दे देंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे पास NGOs थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, RSP हो गया और भी इस तरह के जो इदारे थे, वो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगी हुई है और जो भी लोगों के मसले हैं उनको यहाँ पे सुना जा रहा है। DC साहब और पॉलिटिकल जो भी हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ पे विज़िट की है, तो जो भी हमारी कुनिस की कमेटी है हम उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन में है और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो टाइम के साथ हम पूरी कर लेंगे। इसी तरह हमारा खपुल से लेकर सल्तरो तक हमारे रोड मुख्तलिफ जगहों पर ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे BNR की मशीनरी, GVDMA की मशीनरी कल शाम से कंटिन्यूसली काम कर रही है। अभी तक गुरसे तक जो है रोड क्लियर किया है और गुरसे से आगे का रोड फ़िलहाल बंद है, लेकिन इस वक्त मशीनरी काम कर रही है, तो आई होप कि शाम तक जो है ना ये क्लियरेंस हो जाएगी रोड की। बाकी दरिया में पानी कल से कुछ कम है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इंशाल्लाह अगर मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा तो मज़ीद ये दरिया में कमी आ जाएगी, तो रिवराइन फ्लड का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन रईशा में थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव बंद कमज़ोर होने की वजह से इशू है, लेकिन उसको भी GVDMA और लोकल जो रजाकार है उसके ज़रिए से काम जारी है, तो इंशाल्लाह जो करंट डिज़ास्टर सिचुएशन है इसके ऊपर हम काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। हाजी गुलाम अहमद, मैं मौजा कुनैस डिस्ट्रिक्ट गांछे से ताल्लुक़ रखता हूँ। गुज़श्ता दिनों आने वाले फ्लड की वजह से मेरा गांव कुनैस, जो कि डिस्ट्रिक्ट गांछे का एक छोटा सा गांव है, कल के जुमा के बाद तकरीबन 1 बजे के टाइम पे यह फ्लड आई, जो कि उसको पहुंचते पहुंचते आधा घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन उसने इस कदर तबाही मचाई है जिसका जिक्र करना मेरे ज़बान से मुमकिन नहीं। मैं मीडिया ग्रुप भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके अलावा जो है ना NGOs, मुख्तलिफ NGOs और जो है ना अच्छा साथ वाली इर्द गिर्द की कम्यूनिटी जिन्होंने हमारी जो है ना हेल्प की है इस कठिन मरहले में हमारे साथ दिया, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस फ्लड के आने की जो मेन वजह बनी है वो ऊपर वाली पहाड़ी पे जो है ना अच्छा गरज चमक हुई है, जिसके आधा घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो फ्लड जो है ना अच्छा गांव को क्रॉस करता हुआ धीरे शोक के अंदर गिरा है। इसमें मेरा ख्याल है 30 से ज़्यादा जो है ना मकानत ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हुए हैं और 10-15 घराने हैं जो डैमेज हुए हैं और कुछ मकानत ऐसे हैं जिनको जज़वी नुकसान पहुँचा है। इनमें अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बात तो यह है कि इसमें इंसानी जान का ज़िया कोई नहीं हुआ, लेकिन खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। माल मवेशी की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिनको लोग छुड़ा ही नहीं सके,
इस कदर टाइम शॉर्ट था कि वो अपने घरों से छोड़ने का टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा हुआ नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो है ना एन जी ओ ए के आर एस पी और साथ के गाँव वालों ने जो है ना अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो मुतासरीन के लिए भेजा गया, जिनमें जो है ना ज़रियात ज़िंदगी के मुख्तलिफ अशिया, कंबल, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा और सच बहुत सारी चीज़ें जिनसे जो है ना तन वगैरह डांपा जा सकता है भेजा है। हम उन तमाम लोगों का और जो है ना मुख्तलिफ एन जी ओज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं ये आपको बताते चलूँ कि जो है ना अच्छा सरकारी जो है ना अमले भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना वो वक्त को अल हालात की रेखी के बाद यहाँ देखने के बाद वो जो है ना अच्छा लोगों को रिलीफ फराहम करने में इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अपने अहलिया ने कुनेस की जानिब से एन जी ओस मीडिया ग्रुप का और आसपास के गाँव का जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज यहाँ कुनेस यहाँ मुतासरीन जो घरों को नुकसान पहुँचाएँ वहाँ देखने के लिए आया, देखकर बहुत ही अफसोस हुआ। पहले भी मैं यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लग करता था जब मेरा गाड़ी था। अभी जो यहाँ पे तकरीबन 40 घर नज़र ही नहीं आ रहे, मलबे के नीचे दबे हुए हैं मेरे ख्याल में। जब यहाँ पहुँचा तो एक छोटा गांव की शक्ल में था, अभी आपको नज़र आ रहा है ये सारा मलबे की ढेर हो गए। तो इसके लिए जितना हो सके आम नास हमें इनकी इमदाद करने की ज़रूरत है। और अहलिया ने योगी की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अपनी इस्तात के मुताबिक इमदाद खाना वगैरह का बंदोबस्त कल से हो रहे हैं। और आप सब से यही अरज है मुतासरीन के लिए जितना हो सके दिल खोल कर तावन करेंगे। शुक्रिया। आपको एक 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 निस्का कपचिक्सों से मलबा रुतों से जब भी बीच भी इंसान चीज तो दो संग कप से तो मुझे यह जैसे आया जी वो से यहाँ नंग काम में थी मुझे यह यहीं पे था और ये सैलाबी रैला गया जी, ये फसल वजल भी वो क्या दरा बरा भी बहुत ज़्यादा था इधर, और ये घर था वो इधर पहले इसमें आ गया जी, फिर रुख चेंज करके उस साइड में गया। उस साइड में बहुत से गांव हैं, 37-38 गांव हैं, उसका घर तबाह करके ले गया। तो घरों में इन घरों में माल मवेशी भी थी? माल मवेशी है, माल मवेशी पूरे का माल मवेशी भेड़ बकरी पूरा है, सिर्फ इंसानी जान बच सकता है वाकई, बिल्कुल कोई भी नहीं बचा। छोड़ने का आपको टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। अच्छा, 45 घंटे के अंदर ये पूरा तबाह हो गया। 45 मिनट के अंदर। अच्छा, तो जब ये आ रहा था तो आप घर पे ही मौजूद थे? मौजूद ही था, मैं छत पे ही था, छत पे इधर आते उधर ऊपर से तेज आ रहा था, या पहले तेज हवा आता था फिर दरख्तों के साथ ऊपर छत के ऊपर से दरख्तों गुजर गया, इसके बाद यही मलबा के इधर ढेर हो गया। फिर हमने इधर बकरी और बैल जबह किया तो उस साइड में गया, उस साइड से नीचे वो 38 मकान ले गया। तो आप लोग को यहाँ से भागने में कामयाब हुए? भागने में, बच्चों को लेकर भागने में हमें खुद मुश्किल हो गया, हम खुद नहीं भाग सका, बाकी पूरा भाग के निकल गया है। हम तकरीबन 10-12 जवान इधर रह गया, बीच में फंस गया, साइड दूसरा साइड से भी नीचे दरिया तक पहुँच गए, उस साइड से भी नीचे दरिया तक गए, बीच थोड़ा सा अलग गर्म रह गया बस। चलो जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना आप भाई का कहना है कि यहाँ पर इंसानी जान की ज़िया होने से बच गया, ये उनके लिए शुक्र बजा लाती है अल्लाह का। और जो माल है वो आनी जाने वाली चीज़ है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर उनके माल मवेशी थे वो सारे भी इसी के नीचे दबे हुए हैं। जी